हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आनियन और कर्ड की सैलेड। ये सैलेड को आप स्टार्टर के साथ में सर्व कर सकते हैं, आप वेज के साथ में सर्व कर सकते हैं, नॉन वेज के साथ में सर्व कर सकते हैं, पुलाव के साथ में, बिरयानी के साथ में, जिस चीज़ में भी आप चाहिए इसे लगा के सर्व कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती है। तो चलिए हम बना लेते हैं सैलेड। तो सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ अनियन, जिसे मैंने स्लाइस में कट करके रखी हूँ। 2 मीडियम साइज़ की अनियन थी और अनियन को अच्छी तरीके से वॉश भी कर ली हूँ मैंने। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ दही, 200 ग्राम दही है ये। ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। और आप चाहे तो दही को पहले फेंट लीजिए अच्छे से, उस तरीके से भी डाल सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। साथ में इसमें 2 छोटे चम्मच में काला नमक डाल रही हूँ और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। और यहाँ देखिए, ये है लाल मिर्चें। सीज़न में लाल मिर्चें आ चुकी है, मार्केट में बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके पास में ये लाल मिर्चें नहीं है तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और धनिया की पत्ती है, पुदीना की पत्ती है, जिन्हें चॉप करके मैं डाल रही हूँ। जितना तीखा आप चाहे उतनी मिर्चें इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 लाल मिर्चें को चॉप करके डाली हूँ। और सब चीज़ों को डालने के बाद में अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारी सैलेड है बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। सारी चीज़ें हमें घर पे ही अवेलेबल हो जाती है, हमेशा हमारे घर में ये सब चीज़ें हम रखते ही हैं। तो सिंपल सी है ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।